दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दिवाली का त्योहार भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की सजावट कर उसे रंगोली और फूलों से सजाते हैं। लोग अपने घरों के बाहर दीपक भी जलाकर रखते हैं और कई लोग तो पूरे घर को दीयों से सजाना पसंद करते हैं। ये दीपक कच्चे मिट्टी के बने होते हैं और उनमें तेल डालकर जलाया जाता है। अगर आप भी इस दिवाली को अपने घर में दिए जलाने वाले हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने और उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। इसी के साथ ही आप अपने घर में दीपक को किस दिशा में रखें और उसका क्या लाभ मिलेगा। कहते हैं कि घर में दिवाली के दिन तकरीबन 11 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों लाभकारी दिशा है पूर्व दिशा। घर में अगर आप पूर्व दिशा में दीपक की लो करके रखते हैं तो उससे आपकी आयु बढ़ती है। और दोस्तों यदि आप उत्तर दिशा में दिए की लो करके रखते हैं तो उससे आपके धन में वृद्धि होती है। दोस्तों नुकसानदायक दिशा है दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। ध्यान रखें कि घर में जलाई दीपक की लो अगर दक्षिण दिशा में होती है तो धन की हानि हो सकती है। दोस्तों यदि आप पश्चिम दिशा में दीपक की लो करके रखते हैं तो उससे दुख बढ़ता है। दोस्तों दीपक जलाते समय आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पाप संध्या दीप नमोस्तुते, शुभ करोतु कल्याण मारोग्य सुख संपदा, शत्रु वर्धि विनाश जय दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।